मां काली को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बयान पर विरोध तेज, भोपाल में बीजेपी का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, तुरंत कार्रवाई की मांग। महुआ मोइत्रा की लगातार बढ़ रही है मुश्किलें, भड़काऊ बयान के आरोप में भोपाल समेत कई शहरों में एफआईआर दर्ज। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। काली के अपमान वाले बयान पर मोइत्रा का ममता ने इशारों में किया बचाव, बोली नकारात्मक मुद्दों पर विवाद ठीक नहीं। हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान कर रही लीना ने पर बीजेपी का निशाना, सबसे बड़ी हेट मशीन बन गया है सबसे बड़ा लोकतंत्र। लीना को लेकर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार, लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए केंद्र को चिट्ठी भेजने की तैयारी। हमारी भावनाओं को क्यों आहत किया जाता है, हमारे देवताओं को ही अपमानित क्यों किया जाता है? अगर है हिम्मत तो किसी दूसरे धर्म का भी तो एक बार बता के दिखाओ। मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्विटर कंपनी को भेजा नोटिस, लीना के पोस्ट को हटाने की मांग। भोपाल पुलिस ने लीना के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, शिव पार्वती के अपमान के बाद नया केस दर्ज। मां काली के अपमान पर विदेश मंत्रालय का बयान, कनाडा में आयोजकों ने मांगी है माफी, अब नहीं दिखाई जा रही है फिल्म। कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी ने पुलिस से दर्ज कराई शिकायत, ममता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का आरोप। शिकायत के बाद भी अपने बयान पर डटे हैं दिलीप घोष, कहा ड्रामेबाजी बंद करे टीएमसी। वो लोग किस मुंह से जाते हैं राज्यपाल के पास पैर पकड़ने के लिए? मैंने अगर गलती की तो कानून है, ममता बनर्जी खुद यहाँ गृह मंत्री है, पुलिस मंत्री है, वो मुझे अरेस्ट कर सकती थी। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। सामने आया अजमेर के धमकीबाज सलमान चिश्ती का नया वीडियो, पुलिस की गिरफ्त में मुस्कुराता हुआ दिखा अजमेर दरगाह का खातिम। सामने आया कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा नया वीडियो, अजमेर हाईवे के पास पेट्रोल पंप की तस्वीर में तेल भरवाता नजर आया मददगार। राजस्थान के झलरापाटन में कन्हैया और उमेश हत्याकांड के खिलाफ शहर में बंद, सर्व हिंदू समाज ने की थी अपील। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में निकाला मौन जुलूस, सर्व समाज और साधु संतों ने किया नेतृत्व। राजस्थान के शाहपुरा में कन्हैया मर्डर के खिलाफ आम लोगों का प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का किया पाठ। गुजरात में बीएसपी और बजरंग दल ने हिंदुओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, मुसीबत में पड़ने पर मिलेगी मदद। राजस्थान के झुंझुनू में आरएसएस की बैठक, अलग अलग मुद्दों पर 3 दिनों तक चलेगा मंथन। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, ठाणे नगर निगम भी हाथ से निकला, शिंदे कैंप में शामिल हुए 67 में से 66 पार्षद। एकनाथ शिंदे ने आधिकारिक रूप से संभाला मुख्यमंत्री का कार्यभार, विधायकों के बीच हुआ जोरदार स्वागत। जल्द हो सकता है एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार, दिल्ली से लेकर मुंबई तक शुरू हुई फॉर्मूला निकालने की कोशिश। कांग्रेस ने गोरेगांव में दिया धरना, आरए मेट्रो स्टेट प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार ने पूरे किए 100 दिन, सावंत ने अपने 100 दिन के काम पर निकाला बुकलेट, मौके पर की सरकार के कामों की तारीफ। काशी में पीएम मोदी ने शिक्षा को बताया विकास का आधार, बोले एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि संपूर्ण संस्कार। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी बड़ी सौगात, 43 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कुल लागत 1700 करोड़ से ज्यादा। सबसे पहले पीएम मोदी ने अक्षय पात्र मिड डे मील का उद्घाटन किया, बच्चों के बीच दिखे प्रधानमंत्री। अक्षय पात्र रसोई के उद्घाटन पर सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुनाया शिव तांडव स्तोत्र, प्रधानमंत्री ने बढ़ाया हौसला।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जीवन में नया मोड़, चंडीगढ़ में सिख परंपराओं के मुताबिक गुरप्रीत कौर से रचाया विवाह। चंडीगढ़ के सीएम हाउस में निभाई गई शादी की सभी रस्में, दोनों ही परिवार के लोग और चुनिंदा मेहमान रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने निभाई पिता की भूमिका, वर वधु को दिया आशीर्वाद। भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में जबरदस्त खुशी, ढोल की थाप पर नाचे लोग, एक दूसरे का करवाया मुंह मीठा। लालू यादव की तबीयत में लगातार सुधार, तेजस्वी यादव बोले बेहतरी की ओर सेहत। अभी धीरे धीरे स्टेबल होंगे अभी, और अभी कंडीशन तो वैसे ही बनी हुई है और डॉक्टरों की पूरी टीम है। लालू यादव के पैतृक गांव में भी उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना, पंच मंदिर में सुबह शाम विशेष आरती। बिहार के खगड़िया में लालू यादव के लिए किया गया महामृत्युंजय जाप, सेहत में सुधार के लिए पूजा पाठ। बेगूसराय में भी लालू यादव के लिए हवन और पूजन, लंबी उम्र की मांगी दुआ। आरजेडी ने बिहार में खेला होबे के दिए संकेत, सूबे में पार्टी के प्रवक्ता ने नीतीश कुमार को दिया साथ आने का न्योता। नहीं, खेला रोकने के लिए हम लोगों ने यह काम किया है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध मार्च, पुलिस ने की सख्ती। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जयपुर कनेक्शन, गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक आरोपी को लेने पहुंची पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शूटर साजन कल्याण अपने 5 साथियों के साथ गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में पानी के बहाव में फंसी स्कूल की बस, 9 बच्चों, ड्राइवर और 2 शिक्षकों का रेस्क्यू। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी, नदियों के उफान से पानी में डूबे दर्जनों गांव। गुजरात के गिर सोमनाथ में उफान पर है नदी नाले, सरस्वती नदी के किनारे पर बने माधव राय जी मंदिर में घुसा पानी। गुजरात के कच्छ में बारिश की मार, लक्कड़ बाजार बना तालाब। मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट, ऑरेंज और रेड अलर्ट्स में समुद्री बीच सुबह 6 से 10 बजे तक ही खोले जाएंगे। मूसलाधार बारिश से ठाणे के भिवंडी के 3 बत्ती भाजी मार्केट इलाके में पानी भरना शुरू, कामवारी नदी उफान पर। जैसलमेर के रेगिस्तान में भारी बारिश से आया सैलाब, कई गाड़ियां बही। हिमाचल के कुल्लू में मूसलाधार बारिश, बादल फटने के बाद हुई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुल्लू की ब्यास नदी में ITBP का रेस्क्यू ऑपरेशन, नदी में गिर गई थी कार, बचाया गया एक शख्स, बाकी 2 लोग लापता। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 2 दिनों से बंद, पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा। उत्तराखंड में तेज हुआ मॉनसून, देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 31 सड़कें बंद। कर्नाटक के बड़े इलाके में मॉनसून की बारिश से आफत, उत्तर कन्नड़ जिले में सड़कों को भारी नुकसान, स्कूल कॉलेज बंद। केरल के शहर कोच्चि में भी मॉनसून ने ढाया कहर, जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी। यूपी के संत कबीरनगर में सरयू नदी का कोहराम, कटान की वजह से पानी में समा गया आधा दर्जन मकान। कानपुर में सड़क पर चलती स्कूल वैन में लगी भीषण आग, बच्चों के न होने से टला बड़ा हादसा। गुवाहाटी के गौरांग नदी में बहा इंजीनियरिंग का छात्र, तेज बहाव में गया था नहाने। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3.5 लाख की चोरी, सोने की चूड़ियां पर्स में डालकर फरार हुई 2 महिलाएं, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। यूपी के अमरोहा में बिजली संकट पर मचा हाहाकार, किन्नरों की अगुवाई में स्थानीय लोगों का बिजली विभाग पर गुस्सा फूटा। झांसी में 10 साल के बच्चे की हत्या, पड़ोस के कच्चे मकान में मिली लाश, मजदूरी करने गए थे माता पिता। राजस्थान के बूंदी में घुसखोरी पटवारी गिरफ्तार, 20,000 की रिश्वत लेते ACB की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। उत्तर प्रदेश के झांसी में नदी में नहाने गया युवक लापता, पुलिस जांच में जुटी। पुदुचेरी में ऑटो ड्राइवर ने कर्ज से तंग आकर परिवार के साथ की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
राजस्थान बॉर्डर से सटे हरियाणा के फतेहाबाद में गला काटकर 21 साल की युवक की हत्या, खेत में मिला शव। कानपुर में जमीन विवाद में पत्नी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर की हत्या। मुजफ्फरपुर में स्कूल बस ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचला, लापरवाह ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश में विदिशा में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या की, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे की मुंह पर फेविकोल चिपका कर की निर्मम हत्या, दादा दादी को फंसाकर जेल भिजवाने की थी साजिश। बिहार के समस्तीपुर में शराब तस्करी के धंधे में लड़कियों ने भी मारी एंट्री, 3 छात्रा समेत 5 गिरफ्तार। दिल्ली के गांधीनगर में अचानक कैंडल मार्च हुआ उग्र, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर थाने पर किया पथराव। फिर कम हो सकती है खाद्य तेलों की कीमत, 10 रुपए प्रति लीटर तक गिरावट की संभावना। नोएडा अथॉरिटी ने रद्द किया एटीएस ग्रुप के आईटी सेगमेंट के प्रोजेक्ट बुके का आवंटन, 15 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर कार्रवाई। डोलो 650 के निर्माता माइक्रोलैब्स के बेंगलुरु स्थित कार्यालय पर आयकर विभाग की छापेमारी, देश भर के 40 ठिकानों पर छापा।